के इस तरह के बयान पर। तो सुरजेवाला पर पुनावाला का निशाना, कहा है कि नारी शक्ति का अपमान किया गया है और इनकी पहचान प्रियंका वाड्रा लगातार चुप हैं। राहुल करते हैं राजनीति के लिए महिलाओं के मुद्दे का इस्तेमाल, क्या सुरजेवाला को बर्खास्त करेगी कांग्रेस की, बीजेपी सवाल कर रही है। तो इससे पहले हमने अनिला सिंह को भी आपने सुनाया था और आपने शहजाद पुनावाला को भी सुना और कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया है। हालांकि लगातार इस तरह के बयान दिए जाते रहे हैं कलाकारों के लिए और अब ये सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर के जो बयान दिया है, जाहिर तौर पर इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। तो कांग्रेस की बहुत ही पुरानी आदत है कि महिला विरोधी सोच रखना और इस प्रकार से नारी शक्ति का अपमान करना। यूसीसी हो, शाहबानू हो, शायरा बानू हो, तीन तलाक केस हो, हर जगह उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया है और वोट बैंक के लिए महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। और आज भी महिला विरोधी सोच जो आई है सामने, ये वही रणदीप सुरजेवाला है जिन्होंने कहा जनता राक्षस होती है। क्या प्रियंका जी लड़की हूं लड़ सकती हूं कहती हैं, उन पर कार्रवाई करेगी? क्या राहुल गांधी कार्रवाई करेंगे या ये केवल और केवल अपने वोट को बढ़ाने के लिए महिलाओं की बात करते हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं करते? तो देखिए, पार्टियों में भगदड़ मची हुई है और कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं और एक और कांग्रेस को झटका मिल चुका है क्योंकि गौरव वल्लभ ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है अपने इस्तीफे के साथ साथ कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता हूं, कांग्रेस दिशा विहीन होकर आगे बढ़ रही है, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता, ये कहना है गौरव वल्लभ का। तो एक के बाद एक झटके, पहले विजेंद्र सिंह और अब ये देखिए गौरव वल्लभ ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और साथ ही साथ इस्तीफे के साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दिशाविहीन होकर आगे बढ़ रही है, सनातन विरोधी बयान नहीं दे सकता। एक के बाद एक देखिए, अब कुछ ही वक्त बाकी है चुनाव में, कुछ ही दिन बाकी है और उससे पहले पहले पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज कांग्रेस का दामन छोड़कर जा रहे हैं और अब उन्होंने कहा है कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता हूं क्योंकि कांग्रेस दिशाविहीन होकर सुजाता आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो कांग्रेस को झटके पे झटका मिल रहा है, गौरव वल्लभ प्रवक्ता रहे हैं और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अध्यक्ष खड़गे को इस्तीफा अपना भेजा है और ये कहा है कि उनका कारण यह है कि वो सनातन को गाली नहीं दे सकते हैं, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं और वेल्थ क्रिएटर्स यानी जो उद्योगपति हैं देश के उनके खिलाफ जिस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। आक्रामक प्रवक्ता गौरव वल्लभ पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहे थे और अब पता चला है कि उनके नजर न आने का कारण क्या है, वो नाराज हैं पार्टी से और पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि इसके बाद क्या होगा, क्या वो नई राजनीति की पारिश की शुरुआत करेंगे, क्या वो किसी और पार्टी में जाएंगे, क्या वो बीजेपी में जाएंगे, तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं वो चिट्ठी में हम आपको दिखाते हैं जो इस्तीफा भेजा है, ये देखिए प्रोफेसर गौरव वल्लभ भेजा है अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। एक के बाद एक इस तरह से झटके मिल रहे हैं, कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, प्रवक्ता भी थे उन पद से इस्तीफा दे दिया है, पिछली बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, गौरव वल्लभ का कांग्रेस से इस्तीफा, दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है पार्टी, ये कहते हैं सनातन विरोधी नारे में नहीं लगा सकता, ये भी उनका कहना है, कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है। ये तमाम तरह की बातें, नाराजगी और अब जाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस को एक के बाद एक झटके ला रहे हैं, गौरव वल्लभ के बारे में अभी हमने आपको बताया लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बुधवार को बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी अचानक कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया और फिर बीजेपी में वो शामिल हो गए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस में इस तरह की भगदड़ क्यों मची हुई है। बीजेपी के रिंग में बॉक्सिंग किंग विजेंद्र का पंच, हाथ छोड़ बीजेपी के संग, कांग्रेस में भगदड़, विजेंद्र बीजेपी के अंदर। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन और गठबंधन की पार्टियों को एक के बाद एक जो झटके लगने शुरू हुए हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी सपा से नेता नाराज होकर बीजेपी में खिंचे आ रहे हैं तो कभी टीएमसी, आरजेडी और आप्स नेताओं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस गठबंधन की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस को तो जो करंट लगना शुरू हुआ
उसका झटका कई महीनों से और कई महीनों तक जारी रहने के आसार हैं। दरअसल एक आंकड़े के मुताबिक 2014 और 2021 के बीच हुए चुनावों के दौरान कुल 222 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थामा, जबकि 177 सांसदों और विधायकों ने पार्टी छोड़ी और ये संख्या लगातार जारी है। कांग्रेस को बड़े झटके की बात करें तो गुलाम नबी आजाद, जयवीर शेरगिल, सुनील जाखड़, आरपीएन सिंह, हार्दिक पटेल, जितिन प्रसाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक चव्हाण समेत कई नाम शामिल हैं। लेकिन ये फहरिस्त यही खत्म नहीं होती। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस को एक और जोरदार झटका लगा। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। विजेंदर का साफ कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं, देश के विकास के लिए काम करेंगे। विजेंदर ने कहा, मैं वही विजेंदर हूँ जो गलत को गलत और सही को सही कहूंगा। बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी, तो काफी अच्छा लग रहा है। और मैं पहले वाला विजेंदर हूँ और जो भी मेरे को लगा गलत है, गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। विजेंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछ लिए, साथ ही कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, तभी तो दिल्ली की रैली में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो नहीं लगाई। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस समय लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। क्या विजेंदर भूल गए हैं कि पहलवान लड़कियों के साथ क्या हुआ? कांग्रेस के विज्ञापन आने लगे हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जी का फोटो नहीं है। खड़गे जी अगर आपके अध्यक्ष है तो उनका फोटो होना चाहिए। क्या कांग्रेस को ये डर है कि अपने किसी नेता के फोटो डालने से अपने वोट कम होने वाले हैं? दुर्भाग्य है कि इस समय लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। पहलवान लड़कियों के साथ क्या हुआ, भूल गए? दरअसल विजेंदर सिंह ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति में कदम रखा था। विजेंदर सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ा था। हालांकि विजेंदर सिंह बीजेपी के रमेश बिधुड़ी से चुनाव हार गए थे। वैसे तो कांग्रेस ने विजेंदर को दिल्ली से मैदान में उतारने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से लगा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि विजेंदर के बीजेपी में आने और बड़े दावे करने का कितना फायदा होता है, क्योंकि दिल्ली में जहां बीजेपी के पास पहले से ही 7 में से 7 लोकसभा सीटें हैं, क्या वोट परसेंटेज पर कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? क्योंकि 2019 में विजेंदर सिंह खुद बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हाईकोर्ट की ओर से जहां सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और अब ये देखिए, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर। और ईडी की ओर से हालांकि ये कहा गया है कि यूं ही नहीं आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके पास पुख्ता सबूत है। तो गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर एक तरफ केजरीवाल की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और रिमांड पर फिलहाल फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से सुरक्षित रख लिया गया है। तो अब दूसरी तरफ ईडी ने हाईकोर्ट से कहा कि अंधेरे में तीर नहीं चलाया है यूं ही, क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप चैट है और तमाम पुख्ता सबूत है जो सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपी को पुख्ता करते हैं, आरोपी होने को पुख्ता करते हैं। तो दिल्ली शराब घोटाले मामले में जहां सीएम अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिलहाल उनकी रिहाई को लेकर के फैसला सुरक्षित रखा गया है।